कोरबा से आ रही है बड़ी खबर। रविवार सोमवार की रात कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत विवेक ट्रेडर्स पर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले चोरों को आखिरकार पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल कर ली है। चोरों द्वारा दुकान के गल्ले से 2.5 लाख रुपए की नकदी के साथ चेकबुक और 2 मोबाइलों को भी चोरी किया गया था। पुलिस को पकड़ने गए दोनों चोरों के पास से चेकबुक और दोनों मोबाइल तो सही सलामत मिले, पर नकदी रुपए केवल 2,15,000 ही मिले। बाकी 35,000 से चोरों ने नए कपड़े, नए मोबाइल तथा दोस्तों को शराब बियर की पार्टी दे दी थी। पुलिस ने दोनों चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। घटनाक्रम के बारे में बताते हुए CSP कोरबा ने बताया कि चोरों को पकड़ने में आसपास की दुकानों और मकानों पर लगे हुए CCTV कैमरे की फुटेज की सहायता ली गई, जिनमें रात को बेवजह घूमते दो लड़के राकेश यादव और करण यादव दिखाई दिए। जिन्हें पूछताछ की गई तो उन्होंने चोरी करना स्वीकार किया। CSP ने बताया कि करण यादव प्रिय विवेक ट्रेडर्स पर सामान खरीदने के लिए जाता था, जिसे आने जाने के रास्ते के बारे में उसे मालूम हो गया था, जिसके बाद योजना बनाकर उसने चोरी की घटना को अंजाम दिया। तो वहीं विवेक ट्रेडर्स के संचालक महेश अग्रवाल ने बताया कि चोर घर के मुख्य दरवाजे के ग्रिल को तोड़कर दुकान में घुसे थे और दुकान के गल्ले में रखे 2.5 लाख रुपए, चेकबुक और 2 मोबाइल के साथ कुछ कागजातों की भी चोरी कर ले गए थे। मैं महेश अग्रवाल, विवेक ट्रेडर्स का संचालक, मिशन रोड कोरबा निवासी। क्या हुआ था आपके यहाँ परसों, क्या घटना घटी? परसों रात में 2:30 बजे के आसपास दो चोर आके दुकान से नकदी गल्ला तोड़ के नकदी पैसा लेके गए। किस तरह से चोरी हुई, कहाँ कहाँ उन्होंने तोड़ फोड़ की? कुछ वो पहले मेरे घर के मेन गेट का ग्रिल को तोड़ के अंदर घुसे, उसका गल्ले से गल्ले को तोड़ के पैसा निकाल के लेके गए। क्या जहाँ पे आप लोगों का दुकान है अंदर से आप लोग ताला नहीं लगाते वहाँ पे? नहीं, उसका गेट अंदर से ही है तो उसमें ताला कभी लगाते नहीं हम लोग। बाकी हम लोग का मेन गेट में ताला रहता है और गल्ला भी लॉक रहता है। क्या क्या लेके गया था? वो नकदी रकम लेके गया है और मोबाइल लेके गया है, दो मोबाइल लेके गया है, एक चेकबुक लेकर गया, चेकबुक वगैरह कुछ लेके गया है और एक आध दो कागज थे। आज दो आरोपी पकड़े गए, क्या दोनों आरोपियों का संलिप्तता यहाँ दिखती थी? क्या लगातार वो लोग यहाँ आते थे? उसमें से एक आरोपी हमारे यहाँ सामान लेने आता था जी। कितने कितने दिनों में आता था? क्या लगातार रेगी के रूप में आता था कुछ ऐसा कुछ? अब सामान लेने आता था वो लगभग रोज ही आता था, लगभग रोज आता था, हफ्ते में 5-6 बार आता ही था। चोरी पकड़ी गई इस मामले में और क्या कहना चाहते हैं? मैं इस मामले में पुलिस विभाग का बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ और SP साहब, CSP साहब और कोरबा TI श्री दुर्गेश शर्मा साहब और उनके स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनकी तत्परता से मुझे मैं चोरों के बारे में बताया गया और मेरी धनराशि को वापस दिलाने बहुत सहयोग रहा इनका, बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। CCTV कैमरे का भी रहा मामले को सुलझाने में, उसके बारे में हम कुछ कहेंगे? मैं आज की घटना से सबक लेते हुए मैंने आज ही CCTV कैमरा लगवाने का निर्णय लिया है और मैं चाहूंगा कि कोरबा क्षेत्र के सारे व्यापारी अपने सामानों की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए और शहर के विकास के लिए भी CCTV कैमरा लगाएं, उसे निवेदन करता हूँ। धन्यवाद। ये कल मिशन रोड में विवेक ट्रेडर्स के मालिक महेश अग्रवाल ने कोतवाली आके सूचना दी कि उनकी दुकान पर अज्ञात चोरों ने चोरी कर ली और लगभग 2.5 लाख रुपए की रकम, मोबाइल और चेकबुक इत्यादि चोरी करके भाग गए। तो तुरंत ही टीम को गठन किया गया TI कोतवाली दुर्गेश के नेतृत्व में और उसमें मुखबिर लगाए गए, एरिया की CCTV का अध्ययन किया गया। CCTV को जब देखा गया तो उसमें एक शातिर चोर जो है राकेश यादव उर्फ लालू, जो कि पूर्व में भी कई मामलों में जेल जा चुका था, वो एक अन्य लड़के के साथ घूमता दिखाई दिया। दोनों को पूछताछ की एक पद अमली से तो उन्होंने चोरी करना स्वीकार किया और लगभग 2,15,000 रुपए इनसे बरामद किया गया है। पूरे घटनाक्रम में इन्होंने बताया कि जो करण यादव नाम का लड़का था वो विवेक ट्रेडर्स में आना जाना करता था और उसको मालूम था कि रकम कहाँ पे रखाई जाती है। शनिवार को पूरे हफ्ते का कलेक्शन होता है यहाँ पर और रविवार की रात को इन्होंने चोरी की, तो इनको पूरी जानकारी थी कि पूरे हफ्ते का कलेक्शन आज आया हुआ है और आज चोरी करेंगे। इस तरीके से इन्होंने विवेक ट्रेडर्स के बाहर जो ग्रिल है, ग्रिल को खींच के तोड़ा और उसके बाद अंदर आसानी से घुस गए और जो गल्ला था गल्ले को पेचकश चढ़ा के तोड़ा और रकम लेके भाग गए। इनसे 2.25 लाख रुपए की रकम बरामद हुई है, कुछ कपड़े बरामद हुए हैं, इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है।
आरोपियों द्वारा सर बाइक खरीदने की बात नहीं। हाँ, इन्होंने पैसा जैसे ही हाथ में आया तुरंत एक एग्रीमेंट किया था कि बुलेट खरीदने के लिए, लगभग 1,10,000 रुपए में बुलेट खरीदने की तैयारी में थे, उसके पहले ये पकड़ा गया। सर बाकी रकम कहाँ पे खर्च की? हाँ, इन्होंने मोबाइल खरीदा है और कपड़ा खरीदा है, इनके पास से जब्ती हो गया। कल ही नया मोबाइल, नया कपड़ा खरीदा है। कुछ लोगों को इन्होंने अपने दोस्त यारों को शराब भी पिलाई है, तो उसी तरीके से बात निकल कर सामने आ गई थी। अच्छा, इस छोटा सा और अपील कर, इस पूरी जो अभी मिशन रोड में जो चोरी हुई, इसमें खुलासे में CCTV का बहुत ही अहम योगदान रहा। अभी पूरे जिले में एवं शहर में CCTV पे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय का बहुत जोर दे रहे हैं। अभी हाल ही में हमने लगभग 100 कैमरे पूरे शहर भर में लगवाए हैं, और इस चोरी का जो मुख्य भूमिका रही वो CCTV रहा। तो हम जनता से अपील करते हैं कि वो अपने घर में, अपने दुकानों पे, चौक चौराहों पे CCTV लगवाएं, ताकि चोरी एवं अन्य घटना जब कभी घटित हो जाती है तो CCTV बहुत ही अहम सुराग होता है, जिससे न्यायालय में भी जुटलाया नहीं जा सकता और इस प्रकार की घटना में रोकथाम में मदद मिलती है।